हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं VITMEE 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का VITMEE 2022 का गाइस एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एप्लीकेशन फिल किस तरह से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, साथ ही साथ एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से चेक करना है, कौन कौन VITMEE 2022 के लिए अप्लाई कर सकते, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है गाइस, आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है VITMEE 2022, आगे लिखना है CTET.co.in। अब गाइस ये लिखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के सर्च करना है आपको गूगल में, क्योंकि एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों को VITMEE 2022 की हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन टाइम अपडेटेड मिल जाएगी। गूगल में जो फर्स्ट रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सिंपली उस रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एक आर्टिकल एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ से डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। भाई ऐसे मैं थोड़ा जूम कर देता ताकि आप लोगों की जो विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए और यहाँ से हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि VITMEE 2022 का फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस, VITMEE स्टैंड्स फॉर VIT मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक PG लेवल का एग्जाम है और ये यूनिवर्सिटी लेवल का गाइस आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम रहता है। यहाँ पे आप लोगों का MCA, MTech जैसे कई सारे वेरियस कोर्सेज यहाँ पे मास्टर्स कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब गाइस जो VITMEE 2022 का एंट्रेंस एग्जाम है, किस अथॉरिटी कंडक्टिंग अथॉरिटी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, सो गाइस VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर के थ्रू आप लोगों का इसका जो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिल करना होगा, एग्जाम भी आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया जाता है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो है हाईलाइट क्विक लिंक्स दे दिए। अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो सिंपली उसके सामने दिए हुए लिंक पे आपको क्लिक करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन का आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर डेट्स की, तो गाइस डेट्स अभी तक यहाँ पे जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए अथॉरिटी के थ्रू, लेकिन जैसे आप लोगों के डेट्स यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, अनाउंस होते हैं, हम तुरंत गाइस आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू अपडेट करके नोटिफाई कर देंगे। उस वीडियो में गाइस आप लोगों को पूरा कंप्लीट डेट्स जो है एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। अब गाइस आप लोगों का जो VITMEE 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते गए तो उसमें कोई भी गड़बड़ करते, कोई इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते, कोई प्रोसेस स्किप करते, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का जो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का एक रफ ओवरव्यू दे दूँ। लाइक सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, देन पेरेंट्स डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स एंटर करनी है, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं और उनको जो एप्लीकेशन यहाँ पे उनका एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि गाइस जैसे यहाँ पे आप लोगों का जो है VITMEE 2022 का गाइस एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा तो हम उसके ऊपर एक गाइस वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करके बताया जाएगा, इवन आपको जो है गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी पे करके यहाँ उसमें बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि गाइस आप लोगों को जो है यहाँ पे पूरा जो हम वीडियो बनाएंगे उसका सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। बात की जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो जैसे सिग्नेचर आपका डायमेंशन दे दिया 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए, फोटोग्राफ का 3.5x4.5 यहाँ पे रहना चाहिए, सिग्नेचर भी दे दिया 6x2 सेंटीमीटर, साइज दे दिया 10 KB से 200 KB एंड फोटोग्राफ की 20 KB से 200 KB तक, फॉर्मेट दे दिया JPG और JPEG का फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पे जो है दे दिया कि यही फॉर्मेट आपका जो है डॉक्यूमेंट्स रहना कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात किया तो देख सकते फ़ी यहाँ पे 950 रुपीज़ है हर एक प्रोग्राम और कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोगों को जो आपके एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। नेक्स्ट बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस अगर आप लोग VITMEE 2022 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बता दी गई है। सबसे पहले आप जो इंडियन नेशनल रहने चाहिए यहाँ पे, और ग्रेजुएशन आपने किया हुआ रहना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट से, 60% यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स रहने चाहिए एग्रीगेटेड, तो आप यहाँ पे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 10th और 12th के मार्क्स भी आपके यहाँ पे जो है कंसिडर किए जाएंगे फाइनल ईयर में आपको, फाइनल सेमेस्टर में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक मतलब अलग अलग यहाँ पे कई सारी जो आप लोगों को दे दी गई है, गैप के रिगार्डिंग में आपको बता दिया है कि 2 ईयर्स का मैक्सिमम गैप रहेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ से अपनी कंप्लीट
एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस यहाँ पे जैसे कंप्लीट एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बता दिया, लाइक आप लोगों का जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव नेचर्स के रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको जो है टाइम दिया जाएगा, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसी के साथ गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में दे दी गई है, लाइक यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली आप लोगों की, पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और हर एक सही मार्क्स आंसर पे आपको 1 मार्क्स रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दे दिया गया 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 100, टोटल क्वेश्चन 100 और क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दे दिया, यहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेबस दे दिया गया है, आप लोगों को प्रिपरेशन टिप्स दे दिया है, ये सारी डिटेल्स जो है इस एग्जाम से आप देख सकते हैं, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मदुराई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, वेल्लोर, यहाँ सब यहाँ से अपना कंप्लीट एग्जाम सेंटर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दे दी गई, यहाँ से आप कंप्लीट डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं गाइस यहाँ पे स्लॉट बुकिंग और एडमिट कार्ड के। अब गाइस यहाँ पे स्लॉट बुकिंग होता है क्या, स्लॉट बुकिंग एक्चुअली आप लोगों को जो अपनी जगह जो है रिजर्व करने के लिए होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो स्लॉट बुक नहीं कर पाते, और कई बार एडमिट कार्ड रिलीज होता है उन्हें ये भी नहीं पता चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाते, या फिर अगर उन्हें पता होता है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरह से स्लॉट बुक करना है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, ये उन्हें नहीं पता होता और वो जो उन्हें प्रॉब्लम फेस होती है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगा हम तुरंत उसके ऊपर जो एक वीडियो बना देंगे स्लॉट बुक करके, आपको बताएंगे किस तरह से स्लॉट बुक करना है, लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, लाइव इवन रिजल्ट भी आप लोगों को चेक करके बताया जाएगा, यानी कि आपके जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, मेजर एंड माइनर बोथ इवेंट्स आप लोगों को यहाँ पे जो हम पूरी तरह से रिकॉर्ड करके लाइव बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आप आसानी से सेम वीडियो को फॉलो करके अपना जो उस इवेंट को कंप्लीट कर पाओ। सो आई होप कि अभी आपको वीक में 2022 के रिगार्डिंग तो कुछ भी डाउट नहीं होगा, इनकेस कोई डाउट है, कोई भी इशू आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।